फाइनली पिछले 6 महीनों से जिस पल का इंतजार कर रहा था मैं, आज वो पल आ गया है और शायद इसीलिए आरोही ने मुझे खुद ही बुलाया है यहाँ। अब बस आरोही आ जाए और उसके दिल में भी वो हो जो मेरे दिल में है। आरोही, तुम भी नहीं जिया जाता। आरोही, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूं। आरोही, विल यू मैरी मी? आरोही, तुम ये क्या कर रहे थे शिवा? क्या कुछ भी नहीं आरोही, कुछ छुपा रहे हो ना? क्या छुपा रहे? कुछ भी तो नहीं। तुम फिर से मेरे लिए गिफ्ट लाए ना यार शिवा, तुम क्यों करते हो ये सब? मैं आज तक तुम्हारे लिए एक गिफ्ट नहीं ला पाई और तुम हमेशा। तुम्हारी ये मुस्कुराहट ही तो मेरा गिफ्ट है आरोही, ये दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है मेरे लिए। लेकिन आज जो मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, ये हम दोनों की जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा होगा। वो तो है हमारी दोस्ती। दोस्ती से कुछ और है आरोही। क्या? लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा आरोही। फिर यू मैरी मी आरोही? शिवा ये क्या है? शिवा ये शादी बंधन ये बच्चों का खेल नहीं है। क्या वो गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? इस ये बंधन एक दूसरे को पूरे लाइफ निभाने का वादा होता है और इसके लिए एक दूसरे के मन में फीलिंग होनी चाहिए जो नहीं है, और इसके बारे में ना ही मैंने कभी कुछ सोचा। सोचा नहीं मतलब? आरोही, इतने महीनों से जो हम साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, तुम मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती थी, ये प्यार नहीं तो क्या था आरोही? क्यों, ये दोस्ती में नहीं होता क्या? शिवा हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। प्लीज आरोही ऐसा मत कहो। आरोही प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरोही, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मैं आरोही, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा आरोही मैं। शिवा तुम अच्छे लड़के हो, तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मजाक कर रही हो ना आरोही? हो सकता है आरोही, हो सकता है ये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरोही, बहुत प्यार करता हूँ। शिवा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किसी और से मतलब? हाँ शिवा, और आज उसी से मिलवाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बॉयफ्रेंड से सबसे पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड मिले। क्या हुआ, अपने दोस्त से नहीं मिलवाओगी? वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो फिर कभी। ओके बैठो। तो ठीक तो है शिवा, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ तुझे? वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती है यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, बहुत प्यार करता हूँ यार मैं उससे। पता है शिवा, मैं जब भी परेशान होता हूँ यहाँ जाता हूँ और फिर अकेले में बैठकर अपने आप से ढेर सारी बातें करता हूँ, उन तमाम पलों को याद करता हूँ जो मैंने मेरे अपनों के साथ बिताए थे, जिनमें मुझे खुशियाँ मिलती हैं।
यार मेरी यहाँ जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुझे अपनी कहानी की पड़ी है। मैं तो बस अपने दोस्त का दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ले, एक बियर पी और सब भूल कर एक नई शुरुआत कर। अरे नहीं चाहिए यार। और जहां तक बात उसे भूलने की है ना, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, भूल नहीं सकता मैं उसे। प्यार करता हूँ यार मैं उससे। हाँ तो मर ही जाना चाहिए तुझे, और तुझे ही क्यों? तू जैसे हर उस आशिक को मर जाना चाहिए जो अपनी दो दिन की मोहब्बत में खुद को तबाह करके उन्हें सजा देते हैं जो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार देते हैं। अबे क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? तू चुप कर, इसे समझना होगा इसके लिए क्या सही और क्या गलत है। ये उस लड़की के लिए मरना चाहता है जिसे मिले हुए 6 महीने भी नहीं हुए, जिसके बारे में भी नहीं जानता कि उसे प्यार करती भी थी या नहीं, बिना कुछ सोचे समझे तुझे छोड़कर चली गई, तो उसके लिए जान देना चाहता है। और वो जिन्होंने तेरे पैदा होने से लेकर आज तक तुझे सिर्फ खुशियां दी, तेरी सारी जरूरतें पूरी की, तुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तू डिसाइड कर सके तुझे किसके लिए जीना और किसके लिए मरना है, उनका एक बार भी ख्याल नहीं आया तुझे? देख शिवा, आरोही की जिंदगी में कई शिवा आएंगे और शिवा की जिंदगी में कई आरोही, लेकिन तेरे माँ बाप का सिर्फ और सिर्फ एक शिवा है मेरे दोस्त, और वो तू है जिसमें उनकी जान बसती है, जान बसती है उनकी तुझमें। तू मेरा दर्द नहीं समझ सकता यार, नहीं समझ पाएगा तू मेरा दर्द। तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, तू नहीं समझ पा। हाँ नहीं किया मैंने तेरे जैसा प्यार, और करना भी नहीं चाहता, ऐसा प्यार जो मुझे मरने के लिए मजबूर करे। नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं जिनसे प्यार करता हूं मुझे मरने के लिए मजबूर नहीं बल्कि जीने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं प्यार करता हूं मेरी माँ से, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा। मैं थोड़े से दर्द में तड़प उठती थी वो, पता बचपन से आज तक उनकी ममता ने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं प्यार करता हूं मेरे पापा से, जिन्होंने अपने सीने में तमाम दर्द दफन करके मुझे मुस्कुराकर गले लगाया। पता है शिवा, वो अपना दर्द अपने चेहरे पे क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके दर्द से उनका बेटा परेशान हो। हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनना चाहते हैं दोस्त। मैं प्यार करता हूं मेरे अपनों से और उनके सपनों से, जिन्होंने मेरे सपने को अपना सपना बनाया और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दिन रात मेहनत करके वो मेरे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी के लिए मरना नहीं चाहता दोस्त, जीना चाहता हूं मेरे अपनों के लिए, जो हर पल हर लम्हा मुझ में और मेरे लिए जीते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन तुझे उनके प्यार का एहसास हो गया, तू मरने की नहीं जीने की जिद करेगा, जीने की। बस कर मेरे दोस्त, बस कर। मैं सच्चे प्यार की तलाश में सच्चे प्यार से दूर हो गया, लेकिन मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुका हूँ दोस्त, मुझसे सच्चा प्यार मेरे माँ बाप करते हैं यार, माँ बाप करते हैं। तो अब वापस आ जा मेरे दोस्त।
गुड मॉर्निंग। करण, तुम्हें नहीं लगता हमें शादी कर लेनी चाहिए? क्या शादी? हाँ। देखो आरोही, मेरी लाइफ में किसी बंधन के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं किसी बंधन में रहकर नहीं जी सकता। पर करण, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो शादी में क्या प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, मेरी लाइफ में सिर्फ एंजॉय करने के लिए जगह है। मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की, तुमने मेरी, इसमें प्यार कहां से आया? तो हम दोनों के बीच जो हुआ वो? रिलैक्स, ये तो मैं कितनी लड़कियों के साथ कर चुका हूं। अगर मैं सबसे शादी करने लगा तो हर गली चौराहे में मेरे बीवी और बच्चे घूमते मिलेंगे। 4 दिन की जिंदगी है यार, एंजॉय करो। करण, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं। अच्छा, तो अलग क्या है तुम में? तुम में कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई तुमसे शादी करे? मैंने तुम पर मेरा सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत किया, और तुमने मुझे खुद पे शर्म आ रही कि मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया। हो गया फैमिली ड्रामा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ओके, एज यू विश।